दुष्ट जी जब उतर के आ रहे थे कौरव दल की तरफ, सोई दुर्योधन ने की पितामा जीत है गई, जीत गए कि कैसे कि जी दुष्टर अब हमारी सेनाएं देख के और तुम जैसे महारथी देख के अब हिम्मत हार रहा, जब माफी मांग रहे आ रहा है। गंगा पुत्र भीष्म ने कही निके इंतजार भी कर ले, यहां तक आई जानने जैसे दुष्टर आते हैं तो सबसे पहले प्रणाम किया अपने पितामह के चरणों में। पितामह के चरणों में प्रणाम किया और कही कि आप आदेश करें तो मैं लड़ूं। गंगा पुत्र भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर तेरी विजय। गुरुजी के सामने पहुंचे, हे गुरुदेवता मैं चरणों में प्रणाम करता हूं, आप आदेश करें तो मैं लड़ूं। द्रोणाचार्य कहते हैं तेरी विजय। कृपाचार्य को जब प्रणाम किया तो कृपाचार्य ने भी यही कह दिया तेरी विजय। दुर्योधन ने की पेन तो जी बताओ, खा रहे हो मेरो और रह रहे हो मे माऊ और लड़ाई में इतना पति लड़ रहे हो और आशीर्वाद होता दे रहे हो। ध्यान रखना उस समय गंगा पुत्र भीष्म ने कहा क्या है, सभी नौजवान बच्चे इस बात को ध्यान से सुने। तब कही कि बेटा सुन दुर्योधन, तू जानता नहीं है प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। कितनी अच्छी बात कही, प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। अगर तू एक बार युधिष्ठिर के पैर छू ले और युधिष्ठिर से हाथ जोड़ के प्रणाम कर ले तो युधिष्ठिर भी तुझसे कह देगा कि तेरी विजय। पर तू इस बात को नहीं कह सकता, तू जानता तो है। तब कही दुर्योधन ने, पितामह सुनिए, मैं इस बात को खूब जानता हूं कि मैं धर्म के पक्ष में नहीं हूं, धर्म के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन धर्म के पक्ष में रहूं ये मेरी खून की कमी है, मैं रह ही नहीं सकता और बोल नहीं सकता। युधिष्ठिर जी लौट गए। ध्यान रखना, बैठो तुम बैठो। देखो सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने, माताएं बहनें बेटियां सुने सब। शब्द कोश की और शब्द की पहचान बता रहा हूं मैं, बहुत अच्छी बात है, सब ध्यान से सुनना। परीक्षित जी ध्यान करें, दूसरे की हत्या करके, खास करके ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है, दूसरे की हत्या करके उसके मांस को अपने भोजन में खाना यह विकृति है, विकृति है। और हिंसक जीव अपना भोजन खाते हैं और हम अपना भोजन खाते हैं, ये प्रकृति है, ये प्रकृति है। और अब की बात जो मैं बताऊं उस पर ताली बजाना, कौन सी चीज आ रही है, मांस को खाना, दूसरे के भोजन को छीन के खाना, ये विकृति है। और तुम अपना खा रहे हो, हम अपना खा रहे हैं, ये प्रकृति है। और दूसरे ने भोजन खाया या नहीं खाया, अरे दूसरे की परवाह करते हुए और तब अपना भोजन खाना, ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की संस्कृति है। आज आपने देखा है, बहुत लोग कहते हैं महेश बाबू को क्या करें भैया, डॉक्टर पर मानिक पड़ू ले गए, फिर सादाबाद ले गए, आगरा ले गए, दवाई ने फायदा ही ना करो। क्यों नहीं किया, कभी ये विचार किया क्यों नहीं किया? सत्रधारा जिस दिन से प्रकृति बनी है, शेर का भोजन है मांस खाना और गाय का भोजन है घास खाना। एक महीने की भूख मर सकती है गाय, पत्तुम्बा की लड़ोरी में मांस के टुकड़ा डाल दो खा लेगी। और सिंह वन में भूखा मर सकता है, तुम्बा घास काट के डाल दो खा ले।
जब तक प्रकृति बनी है ये अपने पशु जो हैं अपने अपने भोजन पर टिके हुए हैं। पर धन्य रे मनुष्य, तेने मांस का भोजन खाना शुरू कर दिया। अब दवाई इसलिए काम नहीं कर रही है कि हमारे तुम्हारे शरीर में जो खून बनता है वो खून बनता है भोजन से, भोजन से, और भोजन में खा लिया तुमने मांस तो फिर बन गया खून। अब डॉक्टर भैंसवा इंजेक्शन लगावे के आदमी वाला लगावे, काम इसलिए नहीं कर रही है दवाई। सिंह आज तक मांस ही खाता है और गाय अब तक घास खाती है। पर धन्य रे मनुष्य, तू घास खा जावे, मांस खा जावे, और जरूरत पड़े तो आदमी आदमी की खोपड़ी उठा जावे। भोजन बिगाड़ा किसने तुमने, और इसलिए वो दवाई काम नहीं। पहले अपने भोजन पे आइए, क्योंकि यही तो भीष्म जी ने कहा था, ये कहा था अर्जुन से और द्रौपदी से, क्या बेटा काम इसलिए नहीं कर पाई बुद्धि, क्या मैंने जैसा खाया अन्न और तैसा बन गया मन, काम वही करता है जैसा तुम भोजन खाते। सबसे पहले भोजन को सुधारिए अपने को। आज दोनों तरफ से जब लड़ाई हुई तो पहला दिन समाप्त हुआ, गंगा पुत्र भीष्म ने 10,000 वीर मार दिए, शंख बजा दिया। दूसरे दिन लड़ाई हुई, 10,000 मारे, 9 दिन हो गए। अब भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कही कि पारथ भैया 18 दिन को संकल्प लो है, और 18 दिन के संकल्प में 18 ही अध्याय हैं गीता के, ध्यान रखना, और एक एक अध्याय के माध्यम से एक एक दिन और एक एक अक्षौणी सेना का विनाश हुआ था। तो ये बताओ पारथ का वही तो बाबा ही नहीं बेटे, लड़ाई कहां से जीतो है? तो पारथ ने कही कि प्रभु जितनी मैंने विद्या सीखी वो सब लगा दी, ऐसा वीर सत्य उसे लेकर के अब तक पैदा नहीं हुआ। और दूसरी बात, चारों युगों में ये दो ही वीर ऐसे पैदा हुए, ब्रह्मचारी दो ऐसे हुए, इनके बराबर का ब्रह्मचारी नहीं हुआ। इन दोनों ब्रह्मचारियों का एक राई के दाने के बराबर तेज धरती पर नहीं आया। कौन सबसे पहले थे? परशुराम, और दूसरे थे गंगा पुत्र भीष्म। इन दोनों जैसा कोई ब्रह्मचारी आज तक पैदा नहीं हुआ चारों युग। तो आज भीष्म 9 दिन लड़े, तब भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कही अब नहीं जीतोगे, अब नहीं। और इधर दुर्योधन पर अब दिन उल्टा पड़ा है, तब कही पितामह अब हम समझ गए कि तुम अन्न खा रहे हो, हमारो पाठ बजा रहे हो। 10,000 रोज मानता हूं पर पांचन में देखू नहीं मरो। जो लांछन लगाया गंगा पुत्र भीष्म जैसे तीर में लांछन लगा, उसी समय सीधा हाथ उठा करके कह दिया कि जाओ दुर्योधन, तुम इतना लांछन लगा रहे हो तो कल के युद्ध में पांचों को मार दूंगा, मार दूंगा। अब भीष्म की प्रतिज्ञा को कौन हटावे? उसी समय दुर्योधन को तो खुशी हुई, पर पांडव पक्ष में कुंती रो गई, रो गई कि नहीं आती थी श्याम सुंदर, अब बेटा जब लड़ाई बंद कर दो। क्यों?